9 फरवरी से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, रविंद्र जडेजा की होगी सीरीज में वापसी। वापसी पर बोले दिल छू लेने वाली बात। टीम इंडिया 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी। 4 टेस्ट मैचों की ये सीरीज 9 फरवरी से खेली जाएगी। नागपुर में पहला टेस्ट मैच मुकाबला होगा। इसको लेकर दोनों टीमें अपने कैंप से जुड़कर प्रैक्टिस करना भी शुरू कर चुकी हैं। दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के दौरान ही भारतीय क्रिकेट टीम में स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की वापसी होगी। बता दें कि रविंद्र जडेजा एशिया कप के दौरान चोटिल हुए थे और इसके बाद से ही वे लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी मिस किया। अब रविंद्र जडेजा भारतीय टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने टीम इंडिया में वापसी के लिए भी एक इमोशनल बात कह दी है। दरअसल रविंद्र जडेजा ने BCCI को ही इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 महीने के बाद भारतीय टीम की जर्सी पहनना अपने आप में एक खास पल होता है। जब आप टीम इंडिया के अंदर वापसी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद ही खास पल है। मैं भी एक्साइटेड हूँ, पूरी तरीके से तैयार हूँ। NCA में जब मैं रिहैब पीरियड के दौरान गुजर रहा था, मेरे फिजियो ने, मेरे ट्रेनर्स ने मेरी काफ़ी मदद की। रविवार को जब NCA बंद होता था तब भी फिजियो ट्रेनर मेरे लिए आते थे, मुझे प्रैक्टिस करवाते थे। मेरी नी इंजरी पर काफ़ी ध्यान दिया गया और मैं उनको इसी का श्रेय देना चाहता हूँ। मैं पूरी तरीके से फिट हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। अब मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरी वापसी जो है एक शानदार तरीके से हो और आने वाले तमाम मैचेस मेरे लिए खास हों। भारतीय टीम में वापसी करना अपने आप में मेरे लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण पल है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविंद्र जडेजा टीम इंडिया में वापसी करेंगे। रविंद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप को मिस करने पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना था लेकिन मेरी इंजरी के कारण मैं वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। मैं चाहूँगा कि आगामी जो साल है वह मेरे लिए अच्छा भी थे क्योंकि यह साल भी वर्ल्ड कप का है। बहरहाल रविंद्र जडेजा भारतीय टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रदर्शन कैसा होता है ये तो मैच के दौरान ही पता लगेगा, लेकिन आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।